नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये नजर डाल लेते हैं महाराष्ट्र की टॉप 5 हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र की मौजूदा शिंदे फडणवीस सरकार को लेकर एनसीपी प्रवक्ता महेश तापसे ने बड़ा दावा किया है। तापसे ने कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के निमंत्रण के बिना ही शिंदे सरकार का गठन हुआ था। इस बात का खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। इस जानकारी के बाद एनसीपी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जैसे जैसे महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नासिक की सीट पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। अभी तक एकनाथ शिंदे और बीजेपी की तरफ से किसी उम्मीदवार के लिए समर्थन का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। इसी बीच स्वराज संगठन के निर्दलीय उम्मीदवार सुरेश पवार ने दावा किया है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे उन्हें अपना समर्थन देंगे। देश के 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सभी राज्यों ने अपनी अपनी झांकियां निकाली। इन्हीं में से एक थी असम राज्य की कामाख्या देवी वाली झांकी, जिसने सभी का ध्यान खींचा। इस झांकी को देखकर महाराष्ट्र के लोगों के जहन में शिवसेना से एकनाथ शिंदे की बगावत वाले दिनों की याद ताजा हो गई। महाराष्ट्र के पावरलूम हब के रूप में जाने जाने वाले भिवंडी शहर में आज सुबह तड़के एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दरअसल भिवंडी में एक दो मंजिला इमारत ढह जाने से दो लोग मलबे में दब गए थे, जिसमें से एक की मौत हो गई जबकि एक को दमकल विभाग में सुरक्षित बाहर निकाला। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पार्टी में हुई बगावत से शिवसेना और महाराष्ट्र और शिवसेना दोनों की छवि धूमिल हुई है। उद्धव ठाकरे गुरुवार को ठाणे के पूर्व दिग्गज शिवसेना नेता आनंद दिघे के जन्मदिवस के पूर्व संध्या पर ठाणे में आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन कराने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपने गुट के शिव सैनिकों को संबोधित कर रहे थे।